एक बहुत ही प्यारे सब्सक्राइबर्स ने कमेंट किया था कि श्याम सेंचुरी फ्रेश लिमिटेड के ऊपर वीडियो बनाए, तो लेकर हाजिर हैं श्याम सेंचुरी फ्रेश लिमिटेड के बारे में जानेंगे कि इस स्टॉक में चल क्या रहा है और आने वाले समय में इसमें तेजी होगा या फिर गिरावट होगा, उसके हिसाब से हम अपना इसमें इन्वेस्टमेंट का प्लान करेंगे। इसका शेयर प्राइस 17 रुपये के आसपास चला और आज के दिन तो शानदार तेजी इस स्टॉक में देखने को मिले, करीब 5% के आसपास ये स्टॉक आज के दिन चढ़ते हुए नजर आया है। यही पर यदि पिछले एक सप्ताह में देखेंगे तो पिछले एक सप्ताह में यह स्टॉक तकरीबन 1 से 1.5% के आसपास टूटा ही है। वहीं पिछले एक मंथ में देखेंगे तो एक मंथ में भी कुछ खास चढ़ा नहीं है। वहीं पर यदि पिछले 6 मंथ की बात करें तो पिछले 6 मंथ में भी आप देखेंगे कि ये स्टॉक तकरीबन 24 से 25% के आसपास टूटते हुए नजर आया है और आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कैसे इसका शेयर प्राइस कंटिन्यूअस नीचे आया है, मतलब एक फ्लो में कह सकते हैं कि नीचे की तरफ आया है पिछले 6 मंथ में। श्याम सेंचुरी फ्रेश लिमिटेड के मैंने पूरा डिटेल्स ओपन किया हुआ है, यहाँ पर आप देखेंगे तो श्याम सेंचुरी लिमिटेड जो कंपनी है ये फेरो एलोइज जो होती है उसको मैन्युफैक्चर करने का काम करती है। फेरो एलोइज यानी कि मिश्र धातु की कंपनी बनाती है, मेटल सेक्टर से बिलोंग करने वाली कंपनी है। साथ में देखेंगे तो ये थोड़ा बहुत सीमेंट के कारोबार से भी कंपनी जुड़ी हुई है। अब देखिए ये तो काम बहुत बेसिक सा है कंपनी का काम, पर मुझे फंडामेंटल देखते हैं। फंडामेंटल मजबूत होता है तो कंपनी काम कोई भी हो, फंडामेंटली यदि कंपनी मजबूत है और उसका टेक्निकल बढ़िया है तो आने वाले समय में शॉर्ट टर्म बात करें तो कंपनी के शेयर प्राइस में तेजी देखने को ही मिलती है। अब देखिए मार्केट कैप 371 करोड़ के आसपास, यानी कंपनी पेनी स्टॉक तो है लेकिन पेनी स्टॉक में थोड़ी एक ठीक ठाक कंपनी है। शेयर प्राइस 17 रुपये के आसपास चले जो मैंने बताया, और सबसे कमाल की बात है कि बुक वैल्यू से ऊपर इसका शेयर प्राइस, जो कि सामान्यतः किसी भी कंपनी का शेयर प्राइस बुक वैल्यू से ऊपर होता है तो अच्छा माना जाता है। सबसे मस्त बात यह है कि कंपनी का जो आरओई है 38% के आसपास, ये काफ़ी बढ़िया बात है। आरओई काफ़ी कंपनी का शानदार है। रिटर्न ऑन कैपिटल इंप्लूड जिसको शॉर्टकट में आरओसी कहते हैं, यह भी 51% के आसपास है, काफ़ी बढ़िया बात है। दोस्तों फंडामेंटल में कुछ सोचना नहीं है, फंडामेंटल काफ़ी बढ़िया है। यहाँ पर देखेंगे तो स्टॉक का पीवी 9 के आसपास है, यानी कि एक सस्ता वैल्यूएशन पर स्टॉक आपको मिल रहा है। लेकिन वहीं पर जब आप इस कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट देखते हैं तो क्वार्टरली रिजल्ट में आप पाएंगे कि अभी आपके सामने क्वार्टरली रिजल्ट मैंने ओपन किया हुआ है, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो पाएंगे कि जो कंपनी के दिसंबर क्वार्टर के नतीजे आए हैं अभी हाल में, उसमें कंपनी का जो टोटल सेल्स है, सेल्स में आपको गिरावट होते हुए देखने को मिला है। तकरीबन 39 करोड़ के आसपास ही सेल्स हुआ, जो पिछले क्वार्टर में 43 करोड़ के आसपास था, यानी कि पिछले क्वार्टर से थोड़ा सा कम हुआ है। उसके पहले भी देखेंगे तो 61 करोड़ 55 करोड़, यानी कि ओवरऑल कहें तो इसके जो सेल्स है उसमें थोड़ा सा डिक्रीजिंग देखने को मिल रहा है। और सिर्फ सेल्स में नहीं, जब सेल्स में डिक्रीजमेंट होगा तो इसका जो प्रॉफिट है, जो नेट प्रॉफिट होता है, उसमें भी आपको गिरावट देखने को मिलेगी। तो आप देखेंगे नेट प्रॉफिट में कंपनी का दिसंबर क्वार्टर में सिर्फ 5.80 करोड़ का ही प्रॉफिट हुआ, जो कि पिछले क्वार्टर में 6.5 करोड़ से ज़्यादा था, उसके पहले 7 करोड़ के आसपास था। यानी कि सेल्स कम होने से कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वह भी कम हो रहा है। अब थोड़ी बहुत कर्जे की बात कर लेंगे, कंपनी के ऊपर कर्जा कितना है, तो आप देखेंगे यहाँ पर मैंने बोरो वाला लिस्ट खोला हुआ, यह है बोरो, यानी कि कर्जा कितना है, तो कर्जा इस क्वार्टर में बढ़कर, यानी कि दिसंबर क्वार्टर में बढ़कर 7 करोड़ हो गया, जो कि पहले 1 करोड़ था। कंपनी का जो रिजर्व है, रिजर्व भी बढ़ते हुए नजर आया, 160 करोड़ हो गया, जो कि पहले 153 था और उसके पहले 96 था, यानी कि रिजर्व भी बढ़ रहा है। लेकिन चिंता की बात है कि कर्जा नहीं बढ़ना चाहिए, जब कंपनी का रिजर्व बढ़ रहा है तो कर्जा किस बात के लिए बढ़ रहा है? वो ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि कंपनी का प्रॉफिट नहीं हो रहा है। कंपनी प्रॉफिट में रहेगी तो डेफिनेटली कंपनी का कर्जा कम होते हुए दिखेगा। अब चलिए टेक्निकल के माध्यम से समझ लेते हैं कि टेक्निकल एनालिसिस इस कंपनी का क्या कहता है और टेक्निकल के माध्यम से क्या ये कंपनी का शेयर प्राइस ऊपर जाते हुए दिख सकता है कि नहीं। तो देखिए अभी 1 साल का चार्ट हमने ओपन किया हुआ है और 1 साल के चार्ट पर आप देखेंगे कि कंपनी का जो शेयर प्राइस है 1 साल से तो कंटिन्यू नीचे ही आ रहा है, और 1 साल के जो चार्ट पर आप देखेंगे तो यहाँ तक तो प्राइस एक कंसोलिडेशन रेंज में घूम रहा था, कंसोलिडेट कर रहा था, लेकिन इसके बाद जब इस लेवल का ब्रेकआउट हुआ यहाँ पे तो प्राइस कंटिन्यूअस यहाँ से नीचे गया है, और अभी आप देख सकते हैं कि प्राइस थोड़ा बहुत आपको यहाँ से उठते हुए दिख रहा है। तो पहले ये पता करते हैं कि इसका अगला सपोर्ट कहाँ पर है। इसके लिए हमें क्या करना होगा कि यहाँ पर 5 साल का इसका ग्राफ ओपन करना होगा, और 5 साल का चार्ट पर आप देखेंगे तो आपको स्पष्ट रूप से पता चलेगा कि इसका जो नेक्स्ट सपोर्ट लेवल है ये 15 रुपये के आसपास है, यानी कि इसका शेयर प्राइस अभी कम होकर और आ सकता है 15 रुपये के आसपास, और फिर यहाँ से बाउंस बैक मारकर ऊपर उठेगा तो आएगा पहले 20 रुपये के आसपास, जहाँ पर इसने मल्टीपल बार सपोर्ट लिया हुआ है, फिर 20 रुपये से ऊपर आएगा तो 25 रुपये के आसपास आएगा। यानी कि देखिए आज के दिन भले इसमें तेजी देखने को मिला है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि प्राइस अभी कम होकर और 15 रुपये के आसपास आएगा, और उसके बाद ही प्राइस फिर 20 रुपये और फिर 25 रुपये तक आपको जाते हुए दिख सकता है। देखिए 15 रुपये से नीचे आता है तब काफ़ी मतलब क्रिटिकल सिचुएशन में स्टॉक आ जाएगा और उसका प्राइस आ जाएगा 10 रुपये के आसपास, जिसकी संभावना थोड़ी कम है क्योंकि कंपनी का फंडामेंटल काफ़ी बढ़िया है और क्वार्टरली रिजल्ट यदि एक क्वार्टर का रिजल्ट भी बढ़िया आ जाता है तब ये स्टॉक आपको रॉकेट बनते हुए दिखेगा और शेयर प्राइस जैसे मैंने बताया 20 और 25 रुपए तक आपको जाते हुए दिख सकता है। तो देखिए श्याम सेंचुरी काफ़ी बढ़िया कंपनी है, काम भी काफ़ी बढ़िया है और कंपनी का फंडामेंटल भी कोई खास मतलब बुरा नहीं है, फंडामेंटल तो काफ़ी बढ़िया है, थोड़ा बहुत क्वार्टरली रिजल्ट के इशू है वो भी ठीक हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ श्याम सेंचुरी के बारे में जो बातें मैंने आपको बताई अच्छे से समझ पा रहे होंगे। मन में कोई भी सवाल हो तो कमेंट में जरूर पूछिएगा। व्यक्तिगत रूप से मुझसे जुड़ कर बातें करने के लिए मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए। यदि आपके पास इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग करने के लिए बेस्ट डीमैट अकाउंट नहीं है तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप एंजल वन या एम स्टॉक के साथ अपना फ्री डीमैट अकाउंट ओपन करा सकते हैं, उसका लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।